बस स्टेशन मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासनिक अफसरों की टीम ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। अभियान के विरोध में सितारगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गोयल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। लघु प्रिय छोटे व्यापारी जिसकी सब्जी की दुकानें हैं, छोटे छोटे कारोबार की दुकानें हैं, मैंने अतिक्रमण हटाने में हम कह रहे हैं अतिक्रमण हटाइए। पीछे ही रोडवेज की दीवार के किनारे जगह पड़ी हुई है जो कि नजूल भूमि है, जिसके ऊपर मैं अपने व्यापारी, मेरे छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी, जो हमारी सरकार भी कहती है कि गरीब को बसाना है, उजाड़ना नहीं है, तो उस निवेदन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से, तहसीलदार साहब हमारे साथ में आए, हमारे माननीय तहसीलदार महोदय से, माननीय विधायक जी से, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे व्यापारी जो हैं उनको बसाया जाए, उनको 8x10 की छोटा जब जगह है तो वहां पे बसाया जाए, उनको टॉर्चर नहीं किया जाए। अगर कोई किसी प्रकार से अगर अधिकारी लोग नहीं सुनेंगे तो मैं यहां पर धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, उसमें जो भी कुछ अगर सरकार का नुकसान उसकी उत्तरदायी सरकार रहेगी। मेरी कोई भूखी प्यासी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। जब तक उनकी कोई नहीं सुनेगा तब तक क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्मी अनशन जारी रहेगा और अधिकारी आए देखें। हम अतिक्रमण हटाने को मना नहीं कर रहे, पहले बसाया भी सरकार द्वारा है, अब हटने को भी मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें स्थायी जगह देनी पड़ेगी। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, पुरजोर मांग करता हूँ।